हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर व्लॉग। मैं पूजा, आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो गाइस, आज है मंगलवार, मंगलवार सुबह का व्लॉग है ये, और कल था बुधवार और एकादशी भी था। इसी वजह से ना कल व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। आज सुबह ही जो भी 10 बजे के बाद जो भी मेरा काम है, मैं उसी को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा नहाना धोना सारा कम्प्लीट हो चुका है, और नहा के काली एकादशी का उपवास था। तो सुबह नहा के पूजा पाठ करके फिर जो भी खाना था खाई हूँ, और आज खाने में खिचड़ी खाई हूँ, क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी में खिचड़ी खाते हैं, तो खिचड़ी बना था तो उसी को खाई हूँ। और खाने के बाद मैं अभी आई हूँ अपने रूम पे बेड सेट करने के लिए, क्योंकि हम सो के उठे थे उस टाइम, बेड को सेट नहीं की थी क्योंकि ज़्यादा बेड में कुछ था भी नहीं, तो इसीलिए ऐसे छोड़ दी थी। और हमें 9:30 बजे के अंदर जो भी काम करके महाप्रसाद लेना था, इसी वजह से ना और जल्दी काम की हो तो बेड को छोड़ दी थी। और अभी नहा के नाश्ता वास्ता करने के बाद आराम से फिर कर रही हूँ अपने बेड सेट। और यहाँ पे 2 खिड़की था, खिड़की में ना 2 पर्दा लगा हुआ था जो मैंने अभी अभी उतारा है पर्दा को, क्योंकि मुझे पर्दा को धोना है, अभी गंदा हो चुका है। देखिए, दोनों ही पर्दा है, ज़्यादा नहीं है, ऐसे भी और कुछ कपड़ा है तो उसको धोऊंगी। अभी पहले चादर को ठीक से सेट कर लेती हूँ, और चादर भी बच्चे रहता है ना तो थोड़ा सा मतलब इधर उधर खिसक ही जाता है जितना भी सेट करूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पे ना जो क्या बोलते हैं तकिया है, तो पता नहीं क्या तकिया बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, एक ही है, 2 नहीं है, तो ये भी इधर गिर रहा था तो मैंने उसको भी अच्छे से मतलब ऊपर उठा के रख दी हूँ। और जो कंबल है गाइस, अभी कूलर चालू करके हम सोते हैं ना तो थोड़ा सा ठंडी लगता है, इसी वजह से ये जो 2 कंबल है इसको ना मतलब बिस्तर में ही फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि जब ठंडी लगता है इसको ओढ़ के सोने का ज़रूरत पड़ता है। बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर में ना इतना ज़्यादा, मतलब कूलर चालू करती हूँ तो थोड़ा बहुत ठंडा लगता है। और मैं जो भी मेरा बेड सेट करना था मैंने सारा कर लिया है। अभी आई हूँ आंगन, और थोड़ा सा पेड़ पौधा ना सूख जा रहा था तो सोचा इसको पाइप को थोड़ा सा ले लेते हैं। पाइप मैंने यहाँ पे इसलिए बिछा के रखा है क्योंकि जो मेरा नल वाला पानी आता है ना, टंकी भरने के बाद पानी फालतू वेस्ट होगा करके ना, और ऐसे गर्मी का दिन है, पेड़ पौधा में ज़्यादा पानी भी डालना पड़ता है, इसी वजह से ना पाइप को वहाँ पर बिछा के रख दी हूँ। जब भी टंकी भर जाता है तो इसी पाइप में लगा देती हूँ, तो पेड़ पौधा पानी मतलब उसी में पानी चला जाता है। और यहाँ पर जो सामने में कुछ पेड़ पौधा है इसको ना थोड़ा सा मग्गा में करके पानी डालती हूँ ना, तो उतना पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालता है, इसीलिए सोचा पाइप से ज़्यादा करके पानी डाल दूँगी। और अभी गर्मी का मौसम है, पानी ज़्यादा ही डालना पड़ेगा दोनों टाइम, तो कल शाम को पानी नहीं डाली थी इसी वजह से सुबह ही आज डालना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा सूख जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ फूल है जगाए हैं, और इसको जो भी है इसमें बहुत सारा फूल खिलता है, तो इसको पानी नहीं डालूँगी तो पूजा करने के लिए फूल भी नहीं मिलेगा, इसी वजह से और ज़्यादा करके डाल रही हूँ। फूल वाला है, और मैं उधर मेरा तो पानी डाल गया है। और यहाँ पे जो सरफेस वाला नारियल है ना, इसको ना बहुत दिन हो गया बारिश नहीं हो रहा है, इसी वजह से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। बारिश होता है तो बहुत हरा भरा लगता है, और बारिश नहीं हो रहा है ना तो पूरा लाल लाल हो जा रहा था, तो सोचा पाइप से ही इसको नहला देते हैं, और इसमें जो भी धूल डस्ट है वो भी धुल जाएगा, और उसके बाद जो लाल लाल हो रहा है वो ख़राब भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसको भी धो दिया है। और मेरा जब बाहर का जो भी पानी डालना था मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो सोफ़ा में चादर लगा हुआ है इसमें बैठते हैं सब कोई, जो चादर खिसक के नीचे आ जाता है कोई ठीक भी नहीं करता है उसको, तो सोचा पहले इसको ठीक कर देते हैं। और ऐसे भी इसको करने के बाद अभी तो चलना पड़ेगा किचन में, क्योंकि 10:30 बज रहा है और खाना अभी जल्दी बना लूँगी, नहीं तो
इतना ज़्यादा गर्मी है ना, जितना लेट करूँगी उतना ज़्यादा दिक्कत होगा, इसी वजह से सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। और ऐसे भी आज तो 11 बज गया है, कल से सोच रही हूँ सुबह 9-10 बजे तक लंच बना लूँगी, क्योंकि किचन में जितना धूप ज़्यादा बढ़ता है ना उतना ज़्यादा गर्मी मतलब आता है, इसी वजह से ना तो सुबह सुबह ही थोड़ा सा ठंडा मतलब रहता है, इसीलिए सोचा सुबह ही 9 बजे तक खाना लंच कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी खाएंगे अगर गर्म खाना रहेगा हल्का गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं उस दिन पहनी थी और धोखे ना यहीं पे साड़ी को रख दी, इसको फोल्ड भी नहीं की हूँ, तो यहीं पे एक भी साड़ी पड़ा है तो सोचा इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। और ऐसे भी मेरा सोफ़ा में तो चादर मैंने पूरा मतलब सेट कर दिया है, और पता है गाइस सोफ़ा का अंदर ना चूहा मर गया होगा शायद, इतना स्मेल आ रहा है, उसमें बैठने का भी लायक नहीं छोड़ा है। तो मैं इतना गर्मी की वजह से मुझे पसीना एकदम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो गाइस बाय।